नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। और मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हुए, बीकानेर के महाजन से बड़ी खबर है, जहां पर धर्म गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास चल रहा है। जापान और भारतीय सेना की ओर से लगातार संयुक्त अभ्यास किया जा रहा है। और आपको बता दें कि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में यह अभ्यास चल रहा है। जापान और भारतीय सेना का यह संयुक्त अभ्यास है। पूर्वी सेना के कमांडिंग जनरल लेफ्टिनेंट जनरल तोगाशी युइच अभ्यास के साक्षी बने हैं। चेतक कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल नगेंद्र सिंह भी इसमें मौजूद रहे और दोनों ने सैनिकों के हौसला को अफजाई किया है। अभ्यास को दोनों देशों के बीच मजबूत बंधन बताया गया है। तो दुश्मन को धूल चटाने के लिए खास ट्रेनिंग की जरूरत होती है और इसी बीच खास युद्ध अभ्यास किया जा रहा है दो अलग अलग देशों के बीच। और माना जा रहा है कि अभ्यास से दोनों देशों के जो संबंध हैं वो और भी ज्यादा मजबूत होंगे। तो धर्म गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास की कुछ खास तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पर जापान और भारतीय सेना की ओर से संयुक्त अभ्यास चल रहा है, जहां पर दोनों देशों के सैनिक कदम से कदम मिलाते हुए दुश्मनों को धूल चटाने के लिए खास तौर पर इस वक्त अभ्यास कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और सचिन को न्याय दिलाने की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि गलत ब्लड चढ़ाने से सचिन की मौत का यह पूरा मामला है। दौसा में टंकी पर चढ़े सचिन के ताऊ और बहन अब बसवा एसडीएम कार्यालय में बनी टंकी पर दोनों ही चढ़ गए हैं। तो मृतक सचिन को न्याय दिलाने की मांग की जा रही है। टंकी पर चढ़े ये प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। 25 फरवरी को गलत ब्लड चढ़ाने से सचिन की मौत हो गई थी और उसके बाद से ही लगातार लोगों में इसे लेकर भारी आक्रोश है, सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। और ये तस्वीर देखिए, हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर टंकी पर चढ़ करके प्रदर्शन किया जा रहा है। एक अनोखा तरीका है यहाँ पर विरोध करने का। दौसा के बसुआ से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर सचिन को न्याय दिलाने की मांग की जा रही है। और मौसम के बदले मिजाज का असर बीकानेर में भी दिखाई दे रहा है। शहरी क्षेत्र में जहां जबरदस्त आंधी और कहीं कहीं बूंदाबांदी का दौर जारी रहा, तो वहीं महाजन क्षेत्र के जैतपुर के टोल प्लाजा पर तेज आंधी के साथ टीन शेड उखड़ कर उड़ गए। और तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, देखिए कैसे टीन शेड यहां पर उड़ता हुआ दिख रहा है। और साथ ही फास्टैग के लिए लगे कैमरे, मशीनें उखड़ने से पूरी जो व्यवस्था है वो बिगड़ गई और जिसके कारण 30 से 4 घंटे आवागमन प्रभावित हो गया है। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तो टोल प्लाजा पर यह भारी नुकसान हुआ है, तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तेज आंधी से भारी नुकसान टोल प्लाजा पर हुआ है। टीन शेड देखिए कैसे यहां पर उड़ता हुआ दिख रहा है और टोल प्लाजा पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाते हैं जो वहां से उखड़ गए। और दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर है, पहली तस्वीर जिसमें टीन शेड आपको उड़ता हुआ नजर आ रहा है, दूसरी तस्वीर देखिए सब कुछ यहां से उड़ चुका है और यहां पर भारी नुकसान टोल प्लाजा पर हुआ है। और बीजेपी की पहली सूची में प्रदेश के 15 सदस्यों के नामों का ऐलान किया गया है, जिसमें चूरू से 2 बार के सांसद राहुल कसवाका पार्टी ने टिकट काट दिया है। अब उनकी जगह पर पार्टी ने पैरालंपिक गोल्ड मेडल विनर देवेंद्र झाझड़िया को उम्मीदवार बनाया है। तो टिकट कटने से राहुल कसवा के कांग्रेस में शामिल होने के भी कयास लगाए जा रहे हैं। राहुल कसवा कल अपने समर्थकों के साथ मीटिंग करने वाले हैं और जिसके बाद आगे की रणनीति पर फैसला लेने की बात भी सामने आ रही है। समर्थकों के साथ मीटिंग राजगढ़ स्थित अपने आवास पर करेंगे। और बता दें कि राजगढ़ का कसवा परिवार 1977 से राजनीति में सक्रिय रहा है और उनके पिता राम सिंह कसवा 4 बार सांसद रह चुके हैं, जबकि राहुल कसवा 2 बार लोकसभा सीट पर सांसद चुने गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर बीजेपी ने राहुल कसवा का टिकट काट दिया है और कांग्रेस में शामिल होने के अब कयास लगाए जा रहे हैं। चूरू से 2 बार के सांसद रहे हैं राहुल के पिता राम सिंह कसवा, 4 बार सांसद रहे हैं और 1977 से राजनीति में कसवा परिवार पूरी तरीके से सक्रिय रहा है। लेकिन इस बार देखिए राहुल कसवा का टिकट कट गया है और ये कहा जा रहा है
कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। तो हम लगातार आपको ये भी बता रहे हैं कि आखिर राहुल कसवा है कौन जो अब बीजेपी से बगावत कर सकते हैं। और लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के संकल्प पत्र के लिए एलईडी रथ रवाना किए गए। सीएम अजय शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने पार्टी कार्यालय से इसको रवाना किया। ये एलईडी रथ बीजेपी के संकल्प पत्र के लिए लोगों से सुझाव लेगा और इस सुझावों को पार्टी अपने संकल्प पत्र में शामिल करेगी। तो एक एक लोकसभा क्षेत्र में दो दो एलईडी रथ रवाना किए जाएंगे। एलईडी रथों पर रखी सुझाव पेटी में लोग अपने सुझाव 15 मार्च तक डाल सकते हैं। सुझावों के आधार पर तैयार होगा विकसित भारत का जन संकल्प पत्र। तो नवनियुक्त प्रदेश मंत्री आयदान सिंह अभाटी के जैसलमेर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत किया है। प्रदेश मंत्री ने भाजपा आलाकमान का आभार जताते हुए प्रदेश की सभी 25 सीटों पर जीत दर्ज करने का दावा किया और साथ ही ये भी कहा कि भाजपा 370 पार होगी जबकि एनडीए 400 से अधिक सीटें जीतेगी। गौरतलब है कि भाजपा ने पहली बार जैसलमेर जिले के नेता को प्रदेश कार्यकारिणी में पदाधिकारी बनाया है जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं में अब उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी अपने परिवार के साथ 4 दिवसीय जवाई दौरे पर रहीं। आज वो भारी सुरक्षा के बीच उदयपुर के लिए रवाना हुई। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी अपने पति रॉबर्ट वाड्रा और दोनों बच्चों के साथ जवाई लेपर्ड भ्रमण के लिए आई हुई थी। इस दौरान उन्होंने जवाई बांध क्षेत्र में रॉक सफारी के साथ वन्य जीवों को देखने का भी लुत्फ उठाया। तो वहीं निजी होटल में राजस्थानी कालबेलियन नृत्य भी देखा। और बता दें कि इससे पहले भी प्रियंका जवाई क्षेत्र में घूमने के लिए आ चुकी हैं और पिछली बार प्रियंका के साथ राहुल गांधी भी घूमने आए थे। और देखिए ये तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां पर प्रियंका गांधी यहां पर पहुंची और लेपर्ड सफारी का लुत्फ उठाया गया। और कोटा से खबर है जहां पर शादी समारोह की खुशियां मातम में बदल गई। सीढ़ियों से गिरने से दूल्हे के नानी की मौत हो गई। साल निवासी थी ये हजारों की झोपड़ियाँ जो अपनी बेटी के पास में गई थी। ये गांव में वहीं रहती थी बेटी के पास। जो बेटी के बच्चे के शादी का प्रोग्राम था, शादी के प्रोग्राम ये सीढ़ियों पर चढ़ रही थी, सीढ़ियों से नीचे गिर गई जिसके इसकी बेटी और इसके दोनों जवाई इसको अस्पताल बूंदी लेकर आए। बूंदी से कोटा रेफर कर दिया। कोटा रेफर करने बाद इसकी डेथ होगी। ये दोनों ये सभी परिजन मौजूद है जो कोई कार्रवाई नहीं चाहते। और करौली से खबर है जहां पर महिला थाना पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने मामले में कई महीने से फरार चल रहे इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया। तो आपको बताते चले कि आरोपी पर कई हजार रुपए के इनाम की घोषणा भी की गई थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपनी पहचान और स्थान बदल रहा था। गौरतलब है कि जुलाई 2023 को महिला ने अपनी नाबालिग बेटी के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। और श्रीगंगानगर में पुलिस ने शुक्रवार को अवैध शराब की 2 दुकानों पर कार्रवाई की थी जिसके बाद आबकारी विभाग ने दुकानदारों पर सीजर की कार्रवाई की। और आपको बता दें कि शराब विक्रेताओं की ओर से गोदाम की आड़ में अवैध शराब की बिक्री यहां पर जारी थी और स्थानीय लोगों की बार बार शिकायतें किए जाने के बाद पुलिस ने दुकानों पर एक्शन लिया जिसके बाद आबकारी विभाग ने दुकान को सीज करने की कार्रवाई की। खबर भीलवाड़ा से है जहां पर लगातार हो रही वाहन चोरियों पर पुलिस ने एक्शन लिया है। सुभाष नगर थाना पुलिस ने एक वाहन चोर को गिरफ्तार भी किया। और देखिए आपको बता दें कि आरोपी के पास से चोरी की 14 बाइक जो
रेवाड़ी ने एक मुकदमा दर्ज करवाया था कि साहब मेरी जो मोटरसाइकिल थी वो डीमार्ट के पास है, मैं आया था और मेरी मोटरसाइकिल मैं बाहर खड़ी करके अंदर चला गया और पीछे से कोई मोटरसाइकिल ले गया, जिस पर मुकदमा दर्ज हुआ था। उस मुकदमे का अनुसंधान जारी था। इसी दौरान तलाश मुलजिम की थी। तलाश मुलजिम करते अपने परंपरागत मुखबिर परंपरागत जो भी सोर्स थे उनसे लगा लगू गए और मुलजिम को प्रभुलाल गुजर थाना देवगढ़ को उसको गिरफ्तार किया था। और समर के ना द्वारा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने नेशनल हाईवे के किनारे चल रहे निर्माण की जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही 29 मई तक जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिवक्ता सुनील पालीवाल का ये कहना है कि ना द्वारा बस स्टैंड क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के सर्विस रोड के किनारे चल रहे निर्माण को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अवैध निर्माण मानते हुए नोटिस जारी किया था। तो बफर जोन इलाके में अवैध निर्माण के आरोप लगे हैं। एनएच के किनारे निर्माण को लेकर जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। एनएच 8 सर्विस रोड के किनारे प्रकाश चंद्र कावरा के चल रहे निर्माण कार्य को अवैध मानते हुए एनएचआई ने नोटिस जारी किए थे। उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने पर करप्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश माली ने न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया, जिस पर न्यायालय ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण में जांच के आदेश पारित किए और पुलिस थाना श्रीनाथ जी को जांच करके नतीजा 29 मई 2024 तक न्यायालय में प्रस्तुत करने के आदेश पारित किए। तो वहीं झुंझुनू के छिड़ावा उपखंड के लाल चौक में यमुना के पानी की मांग को लेकर किसानों का धरना 62वें दिन भी जारी है। और धरने पर बैठे किसानों की मांग है कि 1994 में हुए समझौते के मुताबिक झुंझुनू को उसके हिस्से का पानी देने और 2019 में बनाई गई डीपीआर पर ही जल काम शुरू हो, नई डीपीआर को लेकर के किसानों में कई तरह की आशंकाएं हैं। ऐसे में सालों से लंबे तक झुंझुनू के इस मांग को जल्द शुरू करने को लेकर के पुरानी डीपीआर को ही अप्रूवल देकर के योजना को धरातल पर उतारना चाहिए। तो आपको बता दें कि जल स्तर गिरने से कई इलाकों में खेती खत्म हो चुकी है। ऐसे में यमुना का पानी झुंझुनू सहित शेखावाटी को मिलने से यहां पर दोबारा खेती शुरू हो सकेगी। और बीजेपी प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी ने सिरोही आराध्य देव स्थानेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन किए हैं। इस दौरान न्यूज 18 राजस्थान से टिकट मिलने के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। तो टिकट मिलने के बाद एक और जहां समर्थकों में जोश दिखाई दिया, समर्थक बेहद खुश नजर आए, घर वालों के चेहरे पर भी खुशी नजर आई, तो वहीं प्रत्याशी ने भी जीत का दावा किया है। सुनाते हैं आपको। आदरणीय नरेंद्र जी मोदी प्रधानमंत्री, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब, आदरणीय अमित शाह जी और हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी, सीपी जोशी और सिरोही जालौर के जिला अध्यक्ष, पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारे जैसे कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ताओं को टिकट देकर कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और करेंगे इस बीच मिल रही बड़ी खबर का, जयपुर से बड़ी खबर है। थोड़ी ही देर में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक की शुरुआत होगी। बीजेपी कोर कमेटी से जुड़े नेताओं की ये बड़ी बैठक है, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक। और आपको बता दें कि थोड़ी देर बाद बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बैठक होने जा रही है। सीएम भजनलाल शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा इसमें शामिल होंगे। साथ ही साथ राजेंद्र राठौड़ और सतीश पुनिया भी इसमें शामिल होंगे। तो कुछ ही समय का वक्त रह गया है, बीजेपी कोर कमेटी से जुड़े नेताओं की ये बड़ी बैठक होने वाली है, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से लेकर कई दिग्गज नेता मौजूद रहने वाले हैं। कई खास मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बाबूलाल ढाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, बेहद महत्वपूर्ण बैठक, नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है क्या? जी बिल्कुल, जो नेता हैं मुख्य नेता वो इस बैठक का हिस्सा है। इस वक्त मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बैठक में मौजूद हैं। कल पार्टी ने 15 टिकटों का ऐलान कर दिया, 10 टिकटें आना अभी बाकी है और किस तरह से एकजुट एकमुखी होकर पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुनावी रण में पार्टी को जिताने के लिए एकजुट करना है, सक्रिय करना है, तो उसको लेकर के पार्टी के नेता बैठ करके चर्चा कर रहे हैं। अभी 10 सीटों पर नामों की घोषणा बाकी है, तो उसमें किस तरह के उम्मीदवार हो सकते हैं, क्या क्या रणनीति पार्टी को अपनानी है, तो उस पर भी चर्चा कर रहे हैं। साथ ही जिन 5 सांसदों के टिकट कटे हैं तो वहां पर डैमेज कंट्रोल को रोकने के लिए भी पार्टी अभी से सक्रिय हो गई है और पार्टी को लगता है कि
कोई दिक्कतें आएगी नहीं और हर सीट को कम से कम 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतने का लक्ष्य बीजेपी ने रखा है। तो देखना यही होगा कि किस तरह की अब रणनीति आगे बनाएगी सभी सीटों को जीतने के लिए, क्योंकि 15 सीटों पर पार्टी ने ऐलान करके और कांग्रेस की जो रणनीति है उसको ध्वस्त करने की शुरू में ही आक्रामक जो तैयारियां शुरू करी हैं, अब उसको देखते हुए प्लान बनाया जा रहा है कि हर बूथ पर कम से कम 370 वोटों की लीड ली जाए और उसी के मद्देनजर आज की जो बैठक है ये पार्टी कार्यालय में। बाबूलाल, 25 में से 15 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो गया और जैसा की तस्वीरें उसके बाद हम भी देख रहे हैं, राहुल कस्वा भी पार्टी छोड़ने की तैयारी में है, सूत्रों के हवाले से ये खबर भी है, कैसे मनाएंगे जो लोग रूट गए हैं इसके बाद? जी देखिए, पार्टी में इसके लिए जो बड़े नेता हैं वो कोशिश करते हैं हमेशा और पार्टी के साथ जोड़े रखने की एक कवायद होती है। बीजेपी को पता है कि अगर किसी का टिकट कटता है तो नाराजगी भी स्वाभाविक तौर पर आती है, लेकिन बीजेपी आखिर तक मनाने की कोशिश पूरी करती है और मना भी लेती है ज्यादातर मामलों में। अगर इक्का दुक्का मामलों में कोई नेता मानता नहीं तो उसकी परवाह नहीं करती बीजेपी, वो अपनी तैयारियों के दम पर जीतने के लिए कोशिशें करती है और उसको लगता है कि मोदी की लहर है और इस बार 400 पार का नारा है, काम है धरातल पर केंद्र का और राज्य सरकार का जिसके दम पर वो चुनाव जीत सकती है। इसलिए बीजेपी ज्यादा सोचती नहीं है इन चीजों को लेकर के, वो चुनाव जीतने के लिए मेहनत करती है और वो उम्मीदवार के चेहरे पर नहीं पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ती है। और इसी कड़ी में जितने भी चेहरे अनाउंस हुए हैं, जितने भी टिकट घोषित हुए हैं, तो सबको यही कहा गया कि कमल के निशान को आगे रखना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम को आगे ले जाकर ही आप लोग वोट मांगेंगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि देश की जनता को पीएम मोदी पर भरोसा है और तीसरी बार एक बार फिर देश की जनता उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए आतुर है। तो ऐसे में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो काम है उनके नाम पर वोट मांगे तो कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। फिलहाल बीजेपी के नेताओं के हौसले बुलंद दिख रहे हैं और उनको ये लगता है कि फिलहाल कोई दिक्कत आएगी नहीं और कांग्रेस पार्टी के सामने, कांग्रेस पार्टी कोई ज्यादा उनके सामने चैलेंज पेश नहीं कर पाएगी। बस चर्चाएं चल रही हैं और सब नेताओं का कॉन्फिडेंस यहाँ पर बढ़ा हुआ दिखता है, जो ये बताता है कि बीजेपी एक बार फिर से तीसरी बार जो है मोदी सरकार बनाने के लिए एकजुट होती हुई। बाबूलाल, मोदी की गारंटी को जीत की गारंटी मानी जा रही है और यही वजह है कि काफी ज्यादा उत्साह लोगों में और बीजेपी कार्यकर्ताओं से लेकर मंत्रियों और नेताओं में भी दिखाई दे रहा है। चले रुक करते अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे दे, असलो से चुनाव नहीं लड़ेंगे पवन सिंह। आपको बता दें कि पवन सिंह ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भोजपुरी स्टार पवन सिंह का चुनाव लड़ने से इंकार और बीजेपी ने पवन सिंह को आसनसोल से उम्मीदवार बनाया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, भोजपुरी एक्टर से जुड़ी, आसनसोल से पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपको बताते चले कि आसनसोल से पवन सिंह को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया था लेकिन उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया है। और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, विद्याधर नगर इलाके में गाड़ी में आग लगने से जिंदा जलकर मौत की सूचना, सेक्टर 8 में सामुदायिक केंद्र में देर रात ही आग लगी। और आपको बता दें कि गाड़ी में आग बुझाने के बाद युवक का शव नजर आया, 26 वर्षीय गफ्फार के रूप में पहचान हुई है। सूचना मिलने पर पहुंची विद्याधर नगर थाना पुलिस और FSL की टीम। विद्याधर नगर थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, देखिए कैसे गाड़ी में ये भीषण आग लगी और उसमें एक युवक जो है वो जिंदा जल गया है। और जब आग बुझी तब जाकर के ये पता चला कि इसमें एक युवक जिसकी मौत हो गई है। तो फिलहाल पता नहीं है कि आखिर ये आग लगी कैसे, क्या किसी ने इस गाड़ी में आग लगा दी, जान से मारने की कोशिश की गई या फिर किसी और वजह से इस गाड़ी में आग लगी, ये फिलहाल जांच का विषय है। जांच के बाद ही इसका खुलासा हो सकेगा, लेकिन तस्वीरें लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर। सहयोगी विष्णु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, एक व्यक्ति की मौत हो गई इस हादसे में, पता चल सका है क्या कि आखिर ये आग लगी कैसे? देखिए, प्रारंभिक तौर पर पुलिस इसे हादसा मांग के चढ़ रही है क्योंकि 26 वर्षीय गफ्फार के रूप में जिस मृतक की पहचान हुई है तो सामने आया कि सेक्टर 8 विद्याधर नगर में जहां पर ये गाड़ी में आग लगी थी कल देर रात को करीब 1:30 बजे, उसके बाद में जब आग को पूरी तरह से बुझा लिया गया तो अंधेरे में कोई व्यक्ति नजर नहीं आया, लेकिन आज सवेरे जब लोग उस गाड़ी को देखने के लिए पहुंचे तो उसमें उसी गाड़ी में एक व्यक्ति जिंदा जला हुआ भी नजर आया जिसकी पहचान गफ्फार के रूप में हुई। और सामने आया कि इसी गाड़ी के आसपास सामुदायिक केंद्र में अंधेरे के वक्त में कुछ लोग नशा करने के लिए यहाँ पर आते हैं। ऐसे में एडिशनल SP भजन सिंह शेखावत ने युवक की मौत संभवतः हादसा बताया कि संभवतः नशा करने के इरादे से ये लोग यहाँ आए होंगे, जिसके बाद गाड़ी में आग लगी और वे वहीं पर फंसने से उसकी मौत हो गई। लेकिन पुलिस पूरे मामले में अलग जो दूसरे पहलू है कि क्या कोई साजिश हत्या की या कोई हत्या है
इन सभी पहलुओं की जांच ही पुलिस कर रही है जी। ठीक है, आप नजर बना करके रखिए विष्णु, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और मार्च महीना शुरू होते ही माउंट आबू के तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बीते शनिवार बारिश से आबू तापमान 3 गिरावट के साथ आपको बता दें कि 8 डिग्री दर्ज किया गया है। तो वहीं रविवार को तापमान 9 डिग्री की गिरावट पर दर्ज की गई, जिससे तापमान जमाव बिंदु के भी नीचे पहुंच गया। बता दें कि शनिवार से आबू में तेज हवाओं और बारिश का सिलसिला भी जारी है। और वहीं तापमान में आई गिरावट से नक्की लेकर के सैलानियों की भीड़ भी अब वहां पर देखने को मिल रही है। तो नक्की लेक की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। अभी आ रहा है उनको तो बहुत मजा आ रहा है, उनके लिए भी मतलब एक ऐसा हो गया कि वो लोग निकले थे गर्मियों में घूमने के लिए, और यहाँ आके उन लोगों को सर्दियों का भी मजा मिल रहा है, उनको मानसून का भी मजा मिल रहा है। अभी बारिश बहुत ही बढ़िया सुहाना वेदर है, और जो भी आना चाहते हैं आए, अभी बहुत ही बढ़िया मौसम है, एंजॉय करेंगे, बच्चों कपल बूढ़े सबको मजा आएगा, वैसा वेदर है अभी। और पिछले 3 दिनों से प्रदेश में मौसम बदला हुआ है। 2 दिनों तक बारिश और ओलावृष्टि के बाद दौसा में आज सुबह से ही कोहरे का व्यापक असर दिखाई दिया, और कोहरे के कारण लोगों के दिनचर्या प्रभावित हो रही है। इधर कोहरे के चलते रेल और सड़क के यातायात भी प्रभावित हो रहे हैं, और दौसा से गुजरने वाले एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे सहित अन्य सड़कों पर काफी धीमी स्पीड से जो वाहन है वो चलते हुए नजर आ रहे हैं। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार।